प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया था कि उनके पास हनी ट्रैप की सीडी है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इंदौर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त तिवारी ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि उमन सिंगार तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कैबिनेट मंत्री थे, उनका इतिहास सभी जानते हैं और उन्होंने बताया कि कमलनाथ ने हनी ट्रैप को लेकर जो बयान दिया है वह घोर अपराध है। कमलनाथ ने संविधान की शपथ और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि उमंग सिंगार को बचाने के लिए कमलनाथ दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि पुलिस अपना काम कर रही है। उन्हें दबाव डालकर कहा कि हनी ट्रैप की सीडी और पेन ड्राइव उनके पास है, उन्होंने घोर अपराध किया है। यह सीडी उनके पास कैसे आई? यह गोपनीयता का उल्लंघन है। SIT ने सीडी उपलब्ध कराई है तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीडी दी, उसके नाम उजागर होने चाहिए। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा गठित SIT ने उन्हें सीडी कैसे दे दी? यदि उन्होंने CM रहते सीडी ली थी तो उन्होंने अब सीडी का दुरुपयोग करने की बात कैसे कही और दबाव बनाने की कोशिश है? शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने दबाव डालकर SIT को प्रभावित किया है। कमलनाथ के पास सीडी का होना सबूतों के साथ छेड़छाड़ इंगित करता है और यदि उन्होंने झूठ बोला है तो उन्हें प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, अन्यथा वो इस मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने धमकी देने का काम किया है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी आपने कल इस प्रकार का जो दबाव डाल करके गुमराह करने का प्रयास किया, आज मैंने सुना है मीडिया के अंदर मीडिया के लोगों से उन्होंने कहा कि मुझे तो मीडिया के मित्रों ने सीटी दी, दुर्भाग्य नहीं। और वो कह रहे हैं कि मुझे पुलिस वालों ने सीटी दी थी। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके नाम उजागर करिए कि कौन लोग थे जिन्होंने आपको सीटी दी। अन्यथा मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश के लोगों से, और आपने कल जो कहा कि मैं सीडी जारी करके लोगों को नंगा कर दूंगा, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपने मजाक किया नहीं है, जो मजाक नहीं हो रहा, आपको जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जवाब तो करने का प्रयास। और जो हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग पर काम चल रहा है, ये गंभीर तौर पर संविधान की शपथ का उल्लंघन और जो गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन कमलनाथ जी आपने किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रकार की बातें आपने, आप तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जो लोग इस हनी ट्रैप के अंदर ब्लैकमेल करके लोगों को उलझा रहे थे, कमलनाथ जी आप तो श्रेणी में आकर के खड़े होकर के आप भी ब्लैकमेलिंग करने लग गए। तो क्या कांग्रेस के पास केवल यही बचा है? अभी एक ऑडियो आपको मिलेगा, वीडियो है। कल इन्होंने कांग्रेस के विधायकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में विधायक से बात करते हुए कह रहे हैं कि मल्ला जी आपके सामने आएगा, मैंने आज साथ मेरे ट्विटर पर भी आया होगा। कुछ देने का काम किस सरकार ने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे वो कर्मचारी जो इस काम में लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लगे, उनकी जब आहत हुए हैं उनको भी अनुकंपा नियुक्ति को किसी प्रकार से हो, उसमें यदि सरकारी नौकरी वगैरह वगैरह, ये किसने ने किया? कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश को अच्छा लगता आप थोड़ा सा सत्य बोल करके आप सिस्टम में कमियों को जरूर कहते कि सिस्टम में ये कमी है, इसको ठीक होनी चाहिए। हमने अपील की है, माननीय मुख्यमंत्री ने आपसे बात की, कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष और रहे नेता प्रतिपक्ष आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? लेकिन आप मध्य प्रदेश के अंदर भय का वातावरण बना करके झूठ बोल करके जिस प्रकार से आपने जो आज इस देश को और मध्य प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास किया, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मैं मीडिया के मित्रों से आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूं। उमंग सिंगार उनके कैबिनेट के मंत्री थे, कैबिनेट के अंदर उनके मंत्री, उनकी मित्र जो भी रही होगी, मैं किसी की पर्सनली लाइफ के अंदर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक महिला जब वो आत्महत्या कर देती है, उमंग सिंगार जी को इंदौर के पत्रकार मित्र बहुत गहराई से जानते हैं,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये सब आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप नहीं छापा अभी तक, और जिस प्रकार का कल आपने पब्लिकली मीडिया के सामने आपने जो उल्लेख किया है, तो क्या ये अपराध एक पूर्व मुख्यमंत्री ने साक्ष्यों को छिपाकर, और क्या जो आपने एसआईटी के अंदर जो चीजें हुई, क्या आपने दबाव डाल करके एसआईटी को प्रभावित किया है? ये एक प्रश्न हमारे सामने मीडिया के सामने बहुत महत्वपूर्ण तौर पर है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास सीडी का होना सीधे तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की ओर इंगित करता है। बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। या तो आपने झूठ बोला है, अगर आपने झूठ बोला है तो इस मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में आपने कहा है, आपको माफी मांगनी चाहिए पब्लिकली समाज के सामने, अन्यथा इन बातों के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। और मुख्यमंत्री थे, सामान्य बात नहीं थी। आप संवैधानिक पद पर थे, आपने किस प्रकार से इसका दुरुपयोग करने की जो बात कही है, ये कांग्रेस का चरित्र रहा। उमंग सिंघार जी के मैंने कहा कि मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहता। उनका इतिहास क्या था ये प्रदेश जानता है, मीडिया के लोग जानते हैं, हमारे उस क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए आपने इस प्रकार से दबाव जो क्रिएट किया, ये अत्यंत आपत्तिजनक और एक अपराध की श्रेणी में आता है। अरे कमलनाथ जी, मैं तो पूछना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, सरला मिश्रा हत्याकांड हुआ था, आज तक सरला मिश्रा हत्याकांड के लोग दिग्विजय सिंह पर आरोप लगे। मित्रों ने पूछा था कि केंद्र की अगवानी जारी होगी, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? एक पीपी कितनी थी कमलनाथ जी, एक हॉस्पिटल के बारे में चिंता नहीं की थी, एक बैठक मध्य प्रदेश के श्रीमान कमलनाथ जी आपने नहीं की थी। आप इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड करने के लिए यहाँ के अधिकारियों को बुला करके भोपाल के अंदर बैठक कर रहे थे, लेकिन कोविड पर बातचीत नहीं कर रहे थे आप, और आज आप क्या बातें कर रहे हैं? आप झूठ बोल करके जिस प्रकार के समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, भय का वातावरण बना रहे हैं, 1 लाख लोग 1.25 लाख लोग मर गए। अरे किसी भी तंत्र में किसी भी व्यवस्था पर तो विश्वास किया जाता है कमलनाथ जी, आप समाज के अंदर भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, ये समाज आपको जानता है किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, ये जिम्मेदारी भरे राजनीतिक व्यक्तित्व तो राजनीतिक नेतृत्व का ये चरित्र नहीं है जो आज आपने इस पूरे मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से भय के वातावरण में ले जाने का प्रयास किया, आप झूठ बोल रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट में हमने लोगों को कहा कि सभी घरों के लोग आने चाहिए, इससे निपटने के लिए सबको लगना है, लेकिन कांग्रेस के मित्र जहां जहां गए वहां वहां कमियां ढूंढ रहे हैं, कमियां भी ढूंढी लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस महामारी से निपटा जा सकता है। ये महामारी किसी के कहने से नहीं आई है, किसी राजनीतिक दल के कारण से नहीं आई है, इसलिए सरकारें लगातार इसमें जो भूमिका निभा सकती है, कई प्रशासनिक अधिकारी चले गए, आज उनके बारे में कोई आपको दर्द होता तो मुझे लगता है हमारे पत्रकार मित्र, कितने हमारे पत्रकार मित्र अपने जी जान पर खेल करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, आज इस कोरोना की आगोश में वो भी चले गए। उन सबके प्रति श्रद्धांजलि, बाकी सारी चीजें समाज लगातार सब लोग लगे हैं, हम लोग भी लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, अगर आप एक प्रशंसा की बात कहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर पूरे भारत के राज्यों के अंदर इतिहास, आप कभी महाराष्ट्र की बात करते, कभी आप राजस्थान की बात करते, कभी आप छत्तीसगढ़ की बात करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री ने डिक्लेरेशन किया 1 लाख रुपए कोरोना के अंदर जो इस आगोश में चले गए उनको मध्य प्रदेश की सरकार उनको 1 लाख रुपए देकर उनको मदद करने का प्रयास करेगी, उनके प्रकार
किस राज्य ने निर्णय किया भैया? किस राज्य ने निर्णय किया कि ऐसे लोग जो बच्चे हमारे परिवार के परिवार चले गए, बच्चे बच्चे हैं, कई बुजुर्ग हमारे बेचारे उनके परिवार के बाकी लोग चले गए, उनकी बुढ़ापे की लाठी भी चली गई, उनको 5,000 रुपए पेंशन देकर ये किसने निर्णय किया? उन बच्चों की पढ़ाई आए एजुकेशन तक, उनको कमाई से लेकर के हर प्रकार की राशन की सुविधाएं सब कुछ देने का काम किस सरकार ने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।